बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो जो हमारी जो क्वीन थी, ब्रिटिश की क्वीन थी, उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर। और ऑब्वियसली जब रॉयल्टी में इस तरह से डेथ होती है तो उनके जो बाकी के लोग होंगे वो, यानी अब जो किंग चार्ल्स है वो बनेगा, आई मीन चार्ल्स जो है वो किंग बनेगा क्योंकि ही इज नेक्स्ट इन लाइन, राइट? आपको पता है ना किस तरीके से वो चलता है। सो उसके लिए जब वो नया किंग आता है या क्वीन आती है तो उसके लिए एक सेरेमनी की जाती है, उसको कहते हैं कोरोनेशन, राइट? उसमें वो आई गेस वो आके बनाते हैं तो लोग परफॉर्म करते हैं, तो ये सब कुछ होता है। तो उस कोरोनेशन में, उस दावत में बुलाया गया किसको? गैस करें किसको बुलाया? इंडियंस को, एक इंडियन को बुलाया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक इंडियन को बुलाया और वो ऐसी पार्टी में। अब आप खुद सोचो कहां यही ब्रिटिशर्स इंडियंस के ऊपर राज किया करते थे, कहां कोड़े मारते थे आप लोगों के ऊपर, कितना जुल्म करते थे आप लोगों के ऊपर। अब आप लोग जहां पर उनको किंग बनाया जा रहा है, आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। इट इज, आई थिंक इट इज अ ग्रेट डे फॉर इंडिया के वट एवर वॉज हैपनिंग। और ये कर्मा बोल लो इसको, जैसी करनी वैसी भरनी बोल लो, आई डोंट नो कि यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है, वो कौन है दूसरी जो है, आई डोंट नो व्हाट हर टाइटल इज, मगर स्वेलन, हर नेम इज आई थिंक स्वेला ब्रह्मन समथिंग नाउ। सो एनीहाउ वो भी इंडियन है। सो इट्स जस्ट लाइक व्हाट्स हैपनिंग, यू नो, इट्स लाइक टेबल्स हैव टर्न्ड। सो एनीहाउ आप लोगों ने गेस किया किसको बुला रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लाइक सीरियसली आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि किसकी तस्वीर लगा ली है तुमने। अच्छा, तो इन्होंने बुलाया, मैं समझी कि भाई इन्होंने बुलाया होगा माधुरी को, रेखा को, या किसी बड़ी एक्ट्रेस को बुलाया होगा, एक्ट्रेस को। इन्होंने बुलाया सोनम कपूर को, मगर हम ये देखेंगे, इनका वीडियो देखेंगे। यही था, इसी तरह से गाना बजता था। विजय ये परफॉर्मेंस थी। सो दिस इज अ परफॉर्मेंस, और आपने थोड़ा सा म्यूजिक सुना होगा, उसी तरह का म्यूजिक था जिसपे इन्होंने ये वॉक किया। ना सुनी कहूंगी मैं इसको, आई मीन घूम घूम के बस दो तीन चीजें वो करनी, मगर ये इतनी परफॉर्मेंस इनकी वो हो गई है कि इंडियंस ही इनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम देखते हैं ट्विटर पे क्या बोला जा रहा है इसके ऊपर, राइट? थोड़ा सा हम ट्विटर को ठंडू बोलते हैं कि ट्विटर में आप इंडियंस ही क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। अब ये क्या आ गया, नगिंदर तुम्हारा हुआ सोनम कपूर, अगर आप ट्विटर पे जाके देखेंगे। सो देखते हैं क्या लिखा है। परफॉर्मिंग एट द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स, दिस इज हाउ वी टेक रिवेंज ऑन ब्रिटिश। खुद ही इंडियंस ही ट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिश लोगों को, इंडियंस ही ट्रोल कर रहे हैं। तुम लोगों ने भी अगर अपने आप को टॉर्चर करना था तो सोनम कपूर को बुलाया, आई मीन किसी ऐसे को तो बुलाना था, किसी ऐसे को तो बुलाना था ना यार, क्या कर रहे हो। मेक चार्ल्स सिट थ्रू सोनम कपूर्स परफॉर्मेंस फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एवरी डे, इंडिया विल हैव द कोहिनूर बैक इन 8-9 बिजनेस डेज। नुपुर जय शर्मा, ये नुपुर शर्मा है, आई डोंट नो, नहीं ये कोई और है, मगर इन्होंने ट्वीट किया, ये कह रही है कि चार्ल्स जो है, किंग चार्ल्स को सोनम कपूर की परफॉर्मेंस जो है ना रोजाना चंद घंटों के लिए दिखाओ, इंडिया को कोहिनूर वापस मिल जाएगा 8-9 दिन में। सो अच्छा, ये कह रही है पद्मा जी, आई गेस किंग चार्ल्स कोरोनेशन नीडेड ब्लेसिंग फ्रॉम इंडिया, सो सोनम कपूर वाज इनवाइटेड टू कन्वे द सेम थ्रू डांस फ्रॉम फॉर्म। अच्छा फिर लिख रही है, क्लासिक डांसेस ऑफ इंडिया आर यूजुअली स्पिरिचुअल इन कंटेंट बट लुक्स लाइक एसके चोज अ मुजरा बेस्ड डांस, रॉन्ग चॉइस। अच्छा ये कह रही है कि ये इंडियन कथक डांस जो होता है वो ब्लेसिंग्स होती है, मगर ये तो रॉन्ग डांस इन्होंने चूज कर लिया है सोनम कपूर ने, ये तो मुजरा है, रॉन्ग चॉइस, गलत चॉइस है। अच्छा फिर और कहा है, हाँ
Sonam Kapoor out there to torture Britishers for what they did to us 76 years ago. ये कह रहे हैं सोनम कपूर यहाँ पर टॉर्चर कर रही है ब्रिटिशर्स को, गोरों को, जो इन्होंने आप लोगों के साथ किया था 37 इयर्स तक आप लोगों को टॉर्चर किया था, इस तरीके से आप लोग अपना रिवेंज वापस ले रहे हैं. एंड दिस इज नॉट कि ब्रिटिशर्स कुछ बोल रहे हैं इस पे, गोरे कुछ नहीं बोल रहे, हालांकि गोरों की पीछे लपेचौड़ाई में लगी होगी मगर वो नहीं बोल रहे. फिर आगे बढ़ते हैं. द फैक्ट दैट सो मेनी ऑफ यू थिंक इज एक्चुअली from the coronation is really just about how there is no bar of ridiculousness on anything involved, either the royal family or Sonam Kapoor. Kya matlab? I don't even understand that. And this is exactly how we take revenge on British monarchy by making Sonam Kapoor perform at the coronation ceremony. Oh my God. Thank God to this kind of news ki mera mood thoda na behtar ho jata hai. Aisi aisi cheeze dekhne ko milti hai. So aap dekh sakte hain yahan par relentless logon ne jo hai, when Sonam Kapoor was performing, everyone in the audience went to sleep. What a revenge on British. Sonam Kapoor jab perform kar rahi thi, baaki log so gaye the. Ye humne sahi ka badla liya hai Britishers se. To kafi sare memes banaye gaye hain is pe. Ye aap dekh sakte hain. Disgusted by Sonam Kapoor, Ravi Karkara, whatever his name is. You should have rejected the invite and condemned the British monarchy. Achha, this is in 2023. Achha, इन्होंने कहा है कि आपको सोनम कपूर, आपको ये जो British monarchy है, जो Britishers हम पे इतने घर से करके गए हैं सारा कुछ, उनको आपको मना करना चाहिए था. It is important to call out the British colonial history because it has significant and lasting impact on the countries and people that were. Yes. क्योंकि वो जो करके गए हैं उसका effect आज भी आपको दिखता है. Of course, दिखता है. I think it's not all bad. चंद चंद चीजें वो आपको बना के लेके गए हैं रवि जी और करके गए हैं, तो आप देखें अब आप लोग कहाँ पहुंचे हैं, राइट. बट नॉट टू से के दे आर ट्राइंग टू मेक मेंट्स, यू नो, यानी वो चीजें बेहतर करने की कोशिश कर, इसी वजह से तो उन्होंने बुलाया है आपको. अगर वो अभी तक आपके साथ वही कर रहे होते तो आपको बुलाते ही नहीं कोरोनेशन सेरेमनी में. यू हैव टू ऑल्सो सी दैट जेस्चर, राइट. हमेशा गोरों के पीछे इतना वो करके मत पड़ जाते हो कि बस दूसरे लोगों ने भी जुल्म उठाया है दुनिया में, सिर्फ गोरों ने ही नहीं किया है. ये वो बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस. सो यू गाइस कैन गो ऑन ट्विटर एंड रीड मोर स्टफ. या सो आई डोंट नो, इट्स जस्ट ये पता नहीं किसने कहा है. हाँ, ये रॉयल फैमिली, आई डोंट नो कि सही अकाउंट है या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझसे मत कहना कि गलत पढ़ रही हूँ, मगर ये कोई है रॉयल फैमिली कुड नॉट रिजिस्ट, ये इसने ट्वीट किया है, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ. Never had we ever imagined that India would take revenge on our barbaric colonial rule for over 200 years in such a torturous way. Yani ke troll hai ye. Wo keh rahe hain ki humne kabhi imagine nahi kiya tha ki India jo hai hamare sath aise badla lega hamare jo rule tha uska, jo 200 saal tak unhone rule kiya India pe, uska badla is tarah se lega ke ek bahut hi nihayat hi flop actress ko wo wahan par mujra karne ki ijazat denge, wo bhi ek opera song pe. और वो भी किंग चार्ल्स की कोरोनेशन पे. सो आई थिंक दिस इज अ ट्रोल अकाउंट, ऑब्वियसली वी कैन सी दैट. ओके, सो दैट इज अनदर स्टोरी दैट आई वांटेड टू काइंड ऑफ कवर. इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है. आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है.